विदिशा जिले में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करने में जुटा है। इसी कड़ी में कुरवाई में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी के साथ कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइन किल कोरोना 4 अभियान ग्रामों में चल रहे क्राइसिस मैनेजमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर द्वारा दिए गए निर्देशों एवं मुख्य 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई। अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव ने बताया कि कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार अनुविभागीय कुरवाई को 3 जोन में बांटना है। देखिए, ये जो मीटिंग है ये प्रत्येक मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग रखी जाती है। यह प्रत्येक मंगलवार को माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में 1 बजे रखी जाती है, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के लिए स्ट्रेटेजी बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट कराना है। आज किन मुद्दों पर चर्चा की गई? आज मुख्यतः हमने 3 मुद्दों पर चर्चा की। जो आज हमारा किल कोरोना 4 अभियान शुरू हो रहा है, हमने उसकी चर्चा की। उसके साथ ही हमने सहकारी बैंक जो आज से ओपन हो रहे हैं लगभग 13 दिनों के बाद, उसके बारे में चर्चा की। और तीसरी चर्चा का मुद्दा हमारा सभी से चर्चा करके, संवाद करके उनके जो मत हैं कि कैसे कोरोना को हम स्ट्रेटेजिक प्लान करें, उसके संबंध में थे। सहकारी बैंकों के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? जैसा कि आपको पता होगा कि 5 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारी को पॉजिटिव आने की वजह से बैंक हमारे 13 तारीख से बंद थे। आज 14 दिन के प्रोटोकॉल को पूरा करके सभी कर्मचारी स्वस्थ होकर आए हैं। तो उन बैंकों में भीड़ ना बढ़े, उसके लिए हमने प्लान किया है और अलग अलग समितियों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए हैं।